रस्सी पे या किसी और मीडियम पे एक वेव जनरेट है तो ये वेव कुछ ऐसे दिखने वाली है। अब ये यहीं पे खड़ी तो रहेगी है नहीं, ये आगे मूव करने वाली है ऐसे, और क्योंकि ये ट्रैवल कर रही है इसलिए इसे हम कहते हैं ट्रैवलिंग वेव। अब यही एक टाइप की वेव नहीं होती है, हमारे पास एक और टाइप की वेव है, स्टैंडिंग वेव कहते हैं उसे हम। देखो कुछ ऐसे, देखो इसे स्टैंडिंग वेव इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये वेव एक ही पोजीशन पे खड़ी है, ये कहीं आगे पीछे मूव नहीं कर रही है, ये ट्रैवल नहीं कर रही है, और ये एक ही पोजीशन पे खड़े होकर डांस कर रही है। इसे डांसिंग वेव भी तुम कह सकते हो, लेकिन इसका नाम हमने स्टैंडिंग वेव रख दिया। तो आप पढ़ते हैं कि स्टैंडिंग वेव कैसे बनती है। अब अगर तुम एक ऐसे मीडियम लो जिसकी कोई बाउंड्री नहीं है, जैसे कि एक इनफाइनाइटली लंबी रस्सी, और उसके अंदर तुम वेव को जनरेट करो, तो क्या होने वाला है कि ये वेव ये हमेशा के लिए ट्रैवल करेगी, ये कभी रुकने वाली नहीं है। अब ऐसी मीडियम का फायदा ये होता है कि तुम इस मीडियम में किसी भी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की वेव को जनरेट कर सकते हो, किसी भी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की वेव को जनरेट कर सकते हो। लेकिन अगर तुम मीडियम पे बाउंड्री लगा दो ऐसे, तो क्या होने वाला है कि ये वेव बाउंड्री से जाके टकराएगी और रिफ्लेक्ट कर जाने वाली है, और ये फिर खुद से इंटरफेयर करेगी, अपने पीछे वाले पार्ट से इंटरफेयर करने वाली है, और उसके बाद हमें मिलता है स्टैंडिंग वेव्स। अब इनकी खासियत ये है कि स्टैंडिंग वेव्स केवल किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ और किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए ही जनरेट हो सकते हैं, ये हर एक वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के लिए जनरेट नहीं होने वाले हैं। तो एक एग्जांपल की मदद से इसके बारे में और समझते हैं। तो यहां पे मैं लेने वाला हूं एक स्ट्रिंग, ये होगी मेरी स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग को मैं फिक्स कर देने वाला हूं दोनों एंड पॉइंट से ऐसे, तो यानी कि मैंने मीडियम पे लगा दी है बाउंड्री। देखो फॉर एग्जाम्पल एक गिटार की स्ट्रिंग ये ऐसी ही तो होती है, ये दोनों एंड से फिक्स होती है गिटार की स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग में मैं वेव्स को जनरेट करने वाला हूं, तो क्या होगा कि इस स्ट्रिंग के पार्टिकल्स ये ऑसिलेट करने लगेंगे अपने इस रेस्टिंग पोजीशन के अबाउट, ऊपर नीचे ऑसिलेट करने लगेंगे। लेकिन अगर तुम इन पॉइंट्स को देखो, इन पार्टिकल्स को जो कि एंड पॉइंट्स में है, ये तो ऑसिलेट नहीं कर सकते हैं, ये तो फिक्स है ना, तो यानी कि इनकी कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होने वाली है, नो डिस्प्लेसमेंट। अब इसलिए इन पॉइंट्स का हम एक नया नाम देते हैं, इन्हें हम कहते हैं नोड्स। नोड्स यानी कि एंड पॉइंट्स पे होने वाले हैं नोड्स, नो डिस्प्लेसमेंट के पॉइंट्स। अब इसे याद रखने का तरीका है कि नो डिस्प्लेसमेंट होगा नोड्स पे। अब आप देखते हैं कि इस मीडियम में स्टैंडिंग वेव कैसे जनरेट होती है। तो मैं इस रस्सी पे एक पल्स को जनरेट करने वाला हूं और इसे आगे भेजूंगा, तो ये पल्स इस एंड पॉइंट के टुवर्ड्स ट्रैवल करने लगेगी। अब ये इसे टकराएगी और फिर रिफ्लेक्ट हो जाने वाली है। लेकिन अगर एक वेव एक फिक्स एंड पॉइंट से टकराए तो ये इन्वर्ट होकर रिफ्लेक्ट होती है, ये उल्टी होकर रिफ्लेक्ट होती है। तो कुछ ऐसा होने वाला है, ये उल्टी हो जाएगी और फिर ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, बाउंस कर जाएगी इस डायरेक्शन में, और फिर ये जाएगी यहाँ इस एंड पॉइंट पे, फिर ये इससे टकराएगी और फिर ये यहाँ पे उल्टी होकर फिर से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ऐसा ही मोशन कंटिन्यू होता रहेगा। अब देखो अगर मैं एक पल्स की जगह एक सिंपल हार्मोनिक वेव को जनरेट करके आगे की तरफ भेजूं, तो देखो ये सिंपल हार्मोनिक वेव ये भी इस एंड पॉइंट से रिफ्लेक्ट होने वाली है, उल्टी होकर रिफ्लेक्ट होने वाली है, और फिर ये खुद से ही इंटरफेयर करने वाली है और हमें कुछ अलग ही वेव मिलने वाला है। देखो जब ये पहली पीक ये पहुंचेगी इस एंड पॉइंट पे, तो ये उलट जाने वाली है, ये इन्वर्ट हो जाने वाली है और फिर ये रिफ्लेक्ट करेगी, कुछ ऐसी वेव हमें मिलने वाली है ऐसी, और ये इस साइड इस लेफ्ट डायरेक्शन में ट्रैवल करने लगेगी और ये इंटरफेयर करेगी इस पीछे वाली वेव के साथ, पीछे वाली पीक के साथ जो कि राइट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। अब देखो इन दोनों वेव के इंटरफेरेंस के कारण एक फाइनल वेव जनरेट होने वाला है, एक फाइनल वेव हमें दिखने वाला है। अब हमें पता है कि इस वेव की शेप, इसकी इक्वेशन कैसे निकालते हैं। हम लिख लेंगे y total is equal to y जो कि राइट डायरेक्शन में जा रही है, वेव जो कि राइट डायरेक्शन में जा रही है, प्लस वेव जो कि लेफ्ट डायरेक्शन में जा रही है। इन दोनों की इक्वेशन को हम जोड़ देने वाले हैं, तो हमें मिल जाएगा फाइनल वेव कैसे दिखने वाली है इंटरफेरेंस के बाद। लेकिन देखो जनरली तुम्हें एक अजीबोगरीब दिखने वाली वेव ही मिलने वाली है, कुछ ऐसी वेव, लेकिन किसी किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के लिए तुम्हें स्टैंडिंग वेव मिल सकती है। अब अगर तुम्हें पता लगाना हो कि कौन कौन सी वेवलेंथ के लिए हमें स्टैंडिंग वेव मिलेगी, तो उसके लिए हमें यह पता लगाना पड़ेगा कि एक वेव का कितना हिस्सा इस स्ट्रिंग में फिट आ सकता है और इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर सकता है कि एंड पॉइंट पे जो पार्टिकल है ना वो अपने रेस्टिंग पोजिशन पे ही है, वो बिल्कुल भी डिस्प्लेस नहीं हो रहे, यानी कि हमें पता लगाना है कि कितना वेवलेंथ इस स्ट्रिंग में फिट आ सकता है, आधा वेवलेंथ या फिर एक चौथाई या फिर एक वेवलेंथ या फिर दो वेवलेंथ जो कि इस स्ट्रिंग में फिट आ सकता है और इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर सकता है। अब इसके लिए मेरे पास एक रेफरेंस सिंपल हार्मोनिक वेव है। अब ये वेव मान लेते हैं कि यहां स्टार्ट हो रही है नोड से, अब ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे पास पहला पॉइंट ये तो नोड पे ही होना चाहिए,
अब देखो उसके बाद ये वेव यहां जाएगी और फिर ये यहां पे वापस नोड पे आ जाती है, यानी कि यहां से यहां तक की दूरी ये होने वाली है पहली स्टैंडिंग वेव मेरी, जो कि यहां इस रस्सी में फिट आ सकती है। तो मेरी पहली स्टैंडिंग वेव ये कुछ ऐसी दिखने वाली है। अब देखो ये क्योंकि स्टैंडिंग वेव है इसलिए लेफ्ट या राइट मूव करती हुई नहीं दिखने वाली है, ये क्या होगा कि यहीं पे ये ऑसिलेट करती रहेगी ऊपर नीचे, थोड़े समय बाद यहां पे ऐसे कुछ होगी, फिर ये फ्लैट लाइन हो जाने वाली है, फिर ये ऐसे नीचे दिखने वाली है रस्सी, ये ऐसे, और उसके बाद फिर ये और नीचे आने वाली है ऐसे, और फिर ये ऊपर नीचे ऐसी ऑसिलेट करती रहेगी इस नोड्स के बीच में। तो इसे दिखाने के लिए हम कभी कभी ये शैडो लाइन दिखा देते हैं, किन्हीं किन्हीं किताबों में तुम्हें ये शैडो लाइन दिखा हुआ मिलेगा। ये बताता है कि ये वेव ये ट्रैवलिंग वेव नहीं है बल्कि स्टैंडिंग वेव है, और ये रस्सी जो है इन दोनों पोजिशन के बीच में ऑसिलेट कर रही है ऊपर नीचे ऐसे। अब देखो ये सबसे बड़ी वेवलेंथ है, ये सबसे बड़ी वेवलेंथ की स्टैंडिंग वेव है जो कि मेरे इन दोनों नोड्स के बीच में बन रही है, और इसलिए इसे हम एक स्पेशल नाम दे देते हैं, इसे हम कहते हैं फंडामेंटल वेवलेंथ। अब देखो ये सबसे बड़ी वेव होने वाली है जो कि हमारे इन दोनों नोड्स के बीच में बन सकती है, और ये सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग वेवलेंथ भी होने वाली है। अगर तुम स्ट्रिंग को ऐसे ही छोड़ दो तो स्ट्रिंग इसी वेवलेंथ में ऑसिलेट करती रहेगी, और देखो इस स्ट्रिंग में बहुत अलग अलग वेवलेंथ की भी स्टैंडिंग वेव बनने वाली है, लेकिन उन सबको डोमिनेट कर जाएगी हमारी फंडामेंटल वेवलेंथ। अब आप देखते हैं कि नेक्स्ट वेवलेंथ कौन सा बन सकता है इसमें स्टैंडिंग वेव का। तो देखो हमारी पहली वेवलेंथ तो यहां से इस नोड तक ही थी, ये थी हमारी फंडामेंटल वेवलेंथ। अब हमारी सेकेंड स्टैंडिंग वेव ये होने वाली इस नोड से एक और नोड आगे, यानी कि ये हो जाएगी हमारी सेकेंड हार्मोनिक, इसे हम कहते हैं सेकेंड हार्मोनिक ये। अब इस वेवलेंथ को सेकेंड हार्मोनिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि पहली बात तो ये कि सेकेंड वेवलेंथ है, और दूसरी बात ये यहाँ पे हो रहा है रेजोनेंस, और जब भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में रेजोनेंस हो रहा हो तो हम उसे हार्मोनिक के नाम से बुलाते हैं। तो ये सेकेंड हार्मोनिक, मैं बताऊंगा अभी हार्मोनिक क्या है। जो थर्ड वेव बनेगी वो होने वाली है कुछ यहां से यहां तक, ये देखो यहां से ये फंडामेंटल, फिर यहां से यहां तक ये होगी सेकेंड हार्मोनिक, और फिर अगला नोट यहां से अगला नोट, ये देखो दोनों एंड पॉइंट पे हैं नोट्स, ये हो जाने वाली है हमारी थर्ड हार्मोनिक, कुछ ऐसी दिखने वाली है। अब उसे भी लिख लेते हैं, ये हो जाएगी थर्ड हार्मोनिक। अब ऐसे तो बहुत सारी वेवलेंथ को तुम यहां पे बना सकते हो इन दोनों नोड्स के बीच में, लेकिन हम एक बार डिटेल में देखते हैं कि आखिरकार हो क्या रहा है यहां पे। तो सबसे पहले मैं थोड़ी सी जगह बना लेता हूं। हां तो ये है एक स्टैंडिंग वेव जो कि हमारी इन दोनों नोड्स के बीच में बन रहा होगा। अब स्टैंडिंग से मेरा मतलब ये है कि ये वेव कहीं भी ट्रैवल करती हुई नहीं दिखेगी, ये पी ये लेफ्ट या राइट ट्रैवल करती हुई नहीं दिखने वाली है, बल्कि ये वेव यहीं पे खड़े खड़े डांस करेगी ऊपर नीचे, और थोड़े समय बाद ये वेव कुछ यहां पे होने वाली है। देखो ये वाली पी ये ऊपर से नीचे आ रही होगी, और ये वाली पी ये नीचे से ऊपर चली गई होगी, तो ऐसे ये वेव यहीं पे डांस कर रही होगी। अब अगर तुम ध्यान दो तो तुम्हें दिखेगा कि ये वाली पॉइंट ये पॉइंट और ये पॉइंट यहाँ के पार्टिकल्स बिल्कुल भी मोशन नहीं कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी रेस्ट पे है, यहाँ पे कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। नो डिस्प्लेसमेंट मतलब कि ये वाली पॉइंट्स यहाँ पे नोड्स बना रहे हैं। अब देखो असल में हो ये रहा है कि हम स्ट्रिंग पे कंटिन्यूसली वेव को बना रहे हैं और यहाँ पे आगे की तरफ ट्रैवल करवा रहे हैं, और जब ये वेव यहाँ इस नोड तक पहुंचती है इस फिक्स पॉइंट तक, तो फिर यहाँ से ये रिफ्लेक्ट कर जाती है, उल्टी होकर रिफ्लेक्ट कर जाती है, और ये पीछे से आने वाली वेव से इंटरफेयर करने लगती है। अब यहाँ इस पॉइंट पे इंटरफेरेंस कुछ ऐसा होता है कि यहाँ पे कंप्लीटली डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाता है, हमेशा कंप्लीटली डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करती है ये दोनों वेव्स, आने वाली और जाने वाली, और इसलिए यहाँ के जो पॉइंट है ना ये बिल्कुल भी मूव नहीं करते हैं, इनका डिस्प्लेसमेंट ये जीरो ही रहता है विद टाइम। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब जो क्रेस्ट ट्रफ पे गिरता है कैंसिलेशन होता है वो डिस्ट्रक्टिव बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव का मतलब जो क्रेस्ट क्रेस्ट पे गिरता है बड़ा क्रेस्ट बनता है उसको कंस्ट्रक्टिव बोलते हैं, ये टर्म यूज करते हैं आगे पढ़ेंगे हमें से। पर यहाँ से आइडिया समझ में आ गया, उसने बिना मैथ्स के वैसे समझा दिया कि दो पॉइंट पे नोड होने चाहिए, उसके बीच में जो भी पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी, हर फ्रिक्वेंसी पे, अगर आप ये कहो कि मेरे पास स्ट्रिंग है क्या 400 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी पे स्टैंडिंग वेव बनेगी, नहीं जरूरी नहीं बनेगी, उसकी कुछ फ्रिक्वेंसी नहीं आएगी, कुछ फिक्स फ्रीक्वेंसीज ही आएंगी जैसे v by 2l, जैसे न्यू वन टू इंटू न्यू वन, जैसे मान लो फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है वो मान लो 50, मान लो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज आ गई, तो दूसरी फ्रीक्वेंसी जो आएगी स्टेशनरी वेव की वो 2 इंटू फंडामेंटल 100 ही आएगी, तीसरी क्या आएगी 3 इंटू 50 150 ही आएगी, 140 की कोई स्टेशनरी वेव तैयार होने वाली है, इसका मतलब ये है।
ठीक,